ये सब आप ही का आशीर्वाद है, आप ही लोगों का आशीर्वाद से हुआ है। और बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट का पहले से ही आप गाइड कर रहे थे, मॉक इंटरव्यू वगैरह दे, तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ था, और बेसिकली उसी की वजह से ही शायद मेरा ITC तोबाको में हो गया मेरा। क्योंकि आपका आपने जितना मतलब मेहनत किया ना, एक मतलब जो आपने फीस रखा था नॉमिनल फीस, उससे कंपैरिजन में जो आपने सर्विस दी ना भैया, वो कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं, मैं तो एकदम चैलेंज के साथ कह सकती हूँ। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला सर, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जो ज़्यादा हम मुझे ज़्यादा कॉस्टिंग और इंडिया से पूछा गया, और सारे क्वेश्चन ऐसा ही था जो आपने पहले पूछ ही लिया था मुझसे, इसलिए yeah. मुझे ज़्यादा दिक्कत ही नहीं हुआ इंटरव्यू में। आपने आपने हमें आपने लाइफ चेंज कर दी, थैंक्स अ लॉट सर। हाय, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको कांग्रेचुलेशन बधाई देना चाहता हूँ आपके सक्सेस के लिए। आप सबने CMA फाइनल का एग्जाम पास आउट कर दिया है, ये मोमेंट आपके लिए प्राउड मोमेंट है, आपके फैमिली के लिए प्राउड मोमेंट है, आप सबके लिए प्राउड मोमेंट है। एंड आई थिंक आपको इन्जॉय करना चाहिए इस मोमेंट को। बट आपके सामने एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन भी है, आपने अपनी लाइफ की एक बड़ी अचीवमेंट तो हासिल करनी है, लेकिन ये अचीवमेंट तभी आपके लिए सक्सेसफुल होगा जब आपके पास एक बेस्ट क्वालिटी जॉब होगा, जिससे आप अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली की रिक्वायरमेंट और जो आप सो एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले 4 से 5 साल में, जो उनका एक्सपेक्टेशन था, वो आप फुलफिल कर सकते हो एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट लेके। तो एक अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिलने के लिए आपको किन किन एरियाज पे आपको काम करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और मैं आपको उसमें कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ कि आपको एक बेस्ट कैंपस हो एज ए मेंटर, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के किसी भी पार्ट को आप स्किप मत करना, पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखना, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प मिल जाए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है। सो मैं आपको बताऊँ, मेरा खुद CMA मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर हुआ था एंड मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी नहीं हुआ था। मेरे मल्टीपल कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग थी, बट मैं किसी का इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाया था। सो मैं अपने टाइम में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो गया था अपने परफॉर्मेंस लेके, और मेरे पास कोई मेंटर नहीं था जो मुझे गाइड कर सके। तो मैं काफ़ी टाइम से मैंने अपने यूट्यूब पे कंटेंट्स बनाने स्टार्ट किए, और फिर मुझे ऐसा लगा कि एक मैं कैंपस के लिए गाइडेंस स्टार्ट करूँ अपने साइड से, और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ही स्टार्ट किया। लाइक मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया जिसमें अप्रॉक्स 8 बच्चों ने मुझे उस कोर्स के अंदर ज्वाइन किया, जिनको कैंपस के लिए प्रिपेयर करना था। और मेरा बस ये टारगेट था कि जो बच्चे मेरे पर ट्रस्ट करके, पैसा को छोड़ दो, जो मेरे पर ट्रस्ट करके मुझे ज्वाइन किए हैं, उनके जो सेटिस्फैक्शन है वो कब होगी, जब उनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। उनके लिए जो मैं बेस्ट पॉसिबल सर्विस दे सकता था, मैंने उसके ऊपर काम किया। मैंने लाइव क्लासेस दिए उन सब के लिए, मैंने डेली बेसिस पे ग्रुप डिस्कशन करवाया, मैं एक कॉमन टॉपिक देता था और रोज़ शाम को हाफ एन आवर का हम ग्रुप डिस्कशन करते थे, जिससे लोगों की स्पीकिंग प्रैक्टिस हुई। प्लस स्पीकिंग में क्या होता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो जो बच्चे जहाँ पे गलतियाँ कर रहे थे, मैं उसको आइडेंटिफाई करके मैं उनको बता रहा था कि आपको इन इन एरियाज पे आपको काम करना है, अगर आप चाहते हो कि आपका एक ग्रुप डिस्कशन काफ़ी अच्छा हो या फिर आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छे से क्रैक करे। फिर हमने मॉक इंटरव्यूज भी किए 1-to-1, और उस मॉक इंटरव्यू से उनको ये समझ में आया कि किस एरियाज में वो गलती करते हैं, या फिर किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है अगर इंटरव्यू पूछा जाता है। तो वो सारी एरियाज को हमने कवर किया, और अप्रोक्स जो 8 बच्चे ज्वाइन किए थे, जिसमें से 7 बच्चे का कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और 1 स्टूडेंट जिसका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ था, उसने कैंपस से पहले ऑफ कैंपस में एज ए ओरेकल कंसल्टेंट ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे उसको 7 लाख का पैकेज ऑफर हो गया था, तो इसलिए उसने कैंपस में फर्दर कंटिन्यू नहीं किया था, उसको ऑफ कैंपस में यही एक अच्छा पैकेज मिल गया। जो 7 स्टूडेंट जिनका कैंपस हुआ, उसमें से 1 स्टूडेंट को हाईएस्ट पैकेज 22 लाख भी मिला, और बाकी को 8 लाख से लेकर 12 लाख तक के पैकेज में मिला, जिसमें किसी का ITC में, किसी का वेदांता में, LNP, RSM, इस तरीके से कंपनीज में उन सबका सिलेक्शन हुआ। सो ये सारी चीज़ें हमने की जिससे उनका सिलेक्शन हुआ। इसमें कुछ अदर थिंग्स भी है, लाइक
किस नोट से पढ़ना है, क्या क्या एरियाज पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं या कौन से टॉपिक आपको स्किप करना है, ठीक है, आपको टेक्निकल पार्ट के लिए कैसे तैयार करना है, वो सारा कुछ भी था कवर्ड। तो मैं आपको बताता हूँ वो जो कोर्स का कंटेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली। ये इस कोर्स का नेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, रॉक योर सीएमए कैंपस द अल्टीमेट प्लेसमेंट गाइड। बेसिकली ये कोर्स मैं इस बार लेके आया हूँ आप सबके लिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस बार जो मेरा कोर्स हो लास्ट कोर्स और ज़्यादा बेटर हो। लाइक एक होता है कि यार मेरे बच्चे ऑलरेडी सक्सेस कर रहे हैं तो मैं आपके क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ, बट मेरा टारगेट ये नहीं है, मैं और बेस्ट क्या कर सकता हूँ जिससे रिजल्ट की और श्योरिटी बढ़ जाए। इसलिए एक मैंने प्रॉपर कोर्स ड्राफ्ट किया और पिछले 2-3 महीने से मैं इसी कोर्स के ऊपर काम कर रहा था, रॉक कोर्स सीएमए कैंपस द अल्टीमेट प्लेसमेंट गाइड। क्योंकि कैंपस के लिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड टाइम में आप इस तरीके से आप एक बेस्ट प्रैक्टिस करो जिससे आपको एक बेटर आउटपुट आए। लाइक कैंपस का स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, किस कंपनी में आपको इंटरव्यू देना है, किस कंपनी का आपको इंटरव्यू नहीं देना है, बिकॉज आपको 4 कंपनी में इंटरव्यू देना होता है। आप कैसे आप जॉब ऑफर लेने के लिए आप प्लानिंग करो, या फिर किस कंपनी का आपको ऑफर लेटर नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ इस कोर्स में। अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड फ्यूचर ड्रॉबैक क्या है उस कंपनी को ज्वाइन करने का, वो सब भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि हम ब्लाइंडली किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, हम ऑफर लेटर लेने से पहले भी हम चीज़ों को देखना समझना चाहते हैं। तो वो सारी प्लानिंग हमने की थी। लास्ट डेट में अगर आप जाके बच्चों की स्टोरी देखोगे तो आपको मिल जाएगा कैसे मैंने 1-to-1 ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस भी मैंने उनको सपोर्ट किया था कि लाइक आपको इंटरव्यू से पहले वो मेरे से बात करते थे, सब भैया मेरा इस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं, तो उनको प्रॉपर मैं उस समय तक भी गाइड करता था और इंटरव्यू के बाद भी गाइड करता था कि अब क्या करना है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सपोर्ट किया था जिसके वजह से उन सबका कैंपस हुआ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोर्स हमारा अप्रॉक्स 1 मंथ चलेगा, जिसमें सैटरडे संडे हमारी 2-2 घंटे की क्लासेज होगी एंड मंडे टू फ्राइडे हम 1/2 आवर का ग्रुप डिस्कशन करेंगे इवनिंग में 8:30 और 9:00 के आसपास। ओके, और इसके अलावा इसमें जो मॉड्यूल्स है आप देख सकते हो, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें मैं आपको रिज्यूम राइटिंग, कंपनी रिसर्च, कंपनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है और किस तरीके से आपको तैयारी करना है कैंपस के फर्स्ट फेज के लिए। ओके, सेकेंड थिंग क्या है इसके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी बहुत काम करने वाले हैं, बिकॉज आप एक सिंगल पर्सन नहीं होंगे, आप इंटरव्यू जो दे रहे होंगे वहाँ पे 200-300+ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो आपके साथ कम्पीट कर रहे होंगे सेम कंपनी के इंटरव्यू के लिए। तो आप किस तरीके से आप बेस्ट प्रैक्टिस करो कि आपका GD राउंड हो या फिर पर्सनल इंटरव्यू राउंड हो या फिर आपका रिटेन राउंड हो, आप सबका क्लियर हो जाए। हम नेटवर्क बिल्डिंग पे भी काम करेंगे, नेटवर्क बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। मैं इनसाइड द कोर्स बताऊंगा ये कैसे इंपॉर्टेंट है, आपको क्यों करना चाहिए और कैसे आप कर सकते हो नेटवर्क बिल्डिंग। देन टेक्निकल के लिए बताऊँ, टेक्निकल पार्ट के लिए मैंने आप सबके लिए इस बार बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल तैयार किया है। आप लास्ट टाइम में मैं नोट्स बच्चों को देता था, बट इस टाइम मैंने प्रॉपर बुक्स ड्राफ्ट किए हैं, ई बुक्स आप बोल सकते हो। ये धनवेदा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, और ये बुक के अंदर मैंने पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक से लेके एडवांस तक जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और जो सारे बच्चे जो मुझे ज्वाइन किए और उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैंने सारे कोर्स कंटेंट को कवर किया। आप देख सकते हो 63 पेज की ये बुक है। सेम इसी तरीके से मैंने आपके लिए दूसरी बुक भी बनाई है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की है और ये 167 पेज की है। इसमें मैंने इंटर से लेकर फाइनल तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उसके प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। आप बुक का कंटेंट आप थोड़ा सा देख सकते हो, ये सारे आप देखो, आपको ये सारे कंटेंट्स आपको मिलेगा। चैप्टर्स की हेडिंग्स है, ये सारे चैप्टर्स कवर्ड है और उसके क्वेश्चंस इस तरीके से बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैंने कवर किया कि आपको अगर याद भी करना हो तो आप इजीली याद कर सकते हो, बिकॉज मैंने बुक किस लैंग्वेज नहीं यूज किया। और ये जो भी मेरे पास ई बुक है कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है कि मैंने कहीं से कोई कंटेंट देखा उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, ये सारे कंटेंट मेरे खुद के बनाए हुए हैं। जो भी मेरा रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे कंटेंट खुद से लाए। दिन बात करते हो रॉक कर इंटरव्यू बोर्ड्स की, ये बुक प्रॉपर मेरी खुद की बुक है, इसकी कॉपीराइट भी मैंने ले रखी है एंड प्लस ये बुक पब्लिश भी हो रखा है अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर, और ये बुक ब्लू रोज पब्लिकेशन के थ्रू हमने पब्लिश की थी। आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिशिंग ब्लू रोज पब्लिकेशन के थ्रू। ये बुक भी मैंने आपको इस कोर्स के साथ ऐड किया है, बिकॉज इसके अंदर मैंने आपको सारे सॉफ्ट स्किल्स के एरियाज दे रखे हैं,
कि आपको क्या क्या काम करना है, बिफोर द इंटरव्यू क्या करना है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना है, आफ्टर द इंटरव्यू क्या करना है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या है, 30 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये सारा बुक भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। आप इस बुक को भी देख सकते हो, इसमें सारे मैंने पिक्चर्स ऐड किए हैं जिससे आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट मिले जब आप बुक पढ़ने जा रहे हो, और इंटरेस्टिंग सा लगे आपको बुक। बोरिंग बुक मेरा कोई भी नहीं है, सारे बुक मेरी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा अभी मेरी एक नेक्स्ट बुक है, ये भी विद इन दी 1-2 डेज ये बुक रेडी हो जाएगी। आप एक देख सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैं बुक तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। सेम SAP की बुक भी आपको ऐसे ही मिलेगी, और MS Excel की भी बुक आपको मिलेगी, जिससे आप एक प्रॉपर पैकेज बन जाओगे कैंपस के लिए। और मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप मेरे अप्रोच को अगर आप फॉलो करोगे और एक मंथ जम के आप मेरे तरीके से आप रोज 5-6 घंटे आप मेहनत करोगे, आपको कैंपस प्लेसमेंट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर कोई रोकने वाला होगा तो सिर्फ आप होंगे और आपके मिस्टेक्स होंगे बस, और आपको कोई नहीं रोक सकता कैंपस प्लेसमेंट लेने से। और मुझे लगता है जब आप मेरे साथ कनेक्टेड होंगे तो निगेटिव थाट मैं आपके माइंड में कभी नहीं आने दूंगा, और डेफिनेटली आप कैंपस प्लेसमेंट क्रैक कर लोगे। लास्ट अटैम्प में भी हुआ, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड थे, बट मेरे कनेक्शन के वजह से उन सब का डीमोटिवेशन पॉजिटिव थिंग्स में था, और उन सब ने GD भी क्लियर किया, रिटेन भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, और सब एक बिल सेटल जॉब इंजॉय कर रहे हैं। आप सोच सकते हो, जिसको 22 लाख का पैकेज लगा होगा वो भी खुश होगा, उसकी फैमिली खुश होगी, जिसको 12 लाख का पैकेज मिला होगा वो भी खुश होगा, उसके फैमिली भी खुश होगी। तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि सर मैंने CMA क्वालिफाइड नहीं किया और मैं कैंपस से लग। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको 1-to-1 एक बेस्ट सपोर्ट दूँ जैसे आप कैंपस क्रैक कर लो। तो अगर आप कोर्स की फीस देखोगे, कोर्स की फीस है 2999 रुपीज, और इस कोर्स की वैलिडिटी 180 डेज है। बट फर्स्ट हैंडेड स्टूडेंट्स होंगे जो इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, बाय नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप 500 रुपीज की फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड नेम डिटेल्स आपको फिल करना है, अपना स्टेट लोकेशन चूज करना है, और आफ्टर दैट आप पेमेंट गेटवे पे जाओगे। आप पेटीएम, फ़ोनपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, EMI, कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, और आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपके पास बाय डिफॉल्ट एक ईमेल आ जाएगी जिसके अंदर आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, आपको इमीडिएट एक्सेस हो जाएगा इस कोर्स का बाय करने के बाद, और आप फिर से वेबसाइट पेज पे आके आप कोर्स में आप लॉगिन कर सकते हो। आपको फिर से यहाँ पे आना है एंड आपको ऐसे साइन इन पे क्लिक करना है, और आपको अपना लॉगिन करना है careersuccesslaunchpad.in पे, और लॉगिन करने के बाद आप अपना कोर्स अपने कंटेंट के अंदर आप देख सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस है कोर्स को एक्सेस करने के लिए। हम जो लाइव क्लासेस शेड्यूल भी करेंगे वो क्लासेज आप ज्वाइन भी इसी वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आपके पास मोबाइल ऐप भी है हमारा, आप मोबाइल ऐप देख सकते हो, और आपको यहाँ पे एक्टिव कोर्स के अंदर आपको कोर्स दिख जाएगा जो भी कोर्स आप बाय करो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।